गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले डेमो वीडियो में आपको आकृतियों की गिनती पढ़ाया था, वैसा ही मैंने सोचा एक और ही लाजवाब रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है, जिसको हम पासा बोलते हैं बच्चों, इसका मैंने डेमो वीडियो आपके लिए बनाकर आया है। और बच्चों, आपको ये देखना है, जैसा कि आप यदि सच में सिलेक्शन चाहते हो, आपके अंदर यदि जज्बा है, तो ये इंस्टीट्यूट चंद्रा इंस्टीट्यूट आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। बच्चों, डाइस में सबसे पहले बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि विपरीत कैसे निकाला जाए, तो आइए हम डाइस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बच्चों देखो, डाइस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है पासा। देखो बच्चों, मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों। डाइस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पासा बोलते हैं। बच्चों, जो लूडो खेलते हो ना तुम, ठीक है, वही पासा कहलाता है। याद रखो, डाइस का जन्म कैसे हुआ, डाइस बना कैसे? तो डाइस बनकर आया है बच्चों क्यूब से। बच्चों, डाइस बनने से पहले ये क्या था? क्यूब था। और क्यूब क्या होता है? ये देखो, एक से बना रहा हूं, ये जो होता है क्यूब होता है, ठीक है। जब हम इस क्यूब में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर जो है हम अगर राइट कर देते हैं या लिख देते हैं, तो ये क्यूब जो है किस में परिवर्तन हो जाता है? डाइस में हो जाता है। बच्चों, डाइस खेलने के लिए यूज होता है, लेकिन रीजनिंग में क्यों आता है? इससे जो है आपकी एनालिटिकल मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, अब हम बताएंगे कि क्यूब के पास क्या क्या होता है। बच्चों, अगर यदि आप जहाँ भी बैठे होंगे, वो एक घर होगा, और घर क्या होता है? एक बड़ा सा घन होता है। बड़ा सा क्या होता है? घन होता है। और घन के पास देखो कितने सतह होते हैं। सतह पे जरूर ध्यान देना, सतह होते हैं 6। सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन सभी 6 सतहों को हम लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अप और डाउन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसा कि बच्चों, डाइस सीखने के लिए आपको डाइस के बारे में जरूर सीखना पड़ेगा। याद रखना, ये मैंने एक छोटा सा डाइस बना दिया है। छोटा सा क्या बना दिया? डाइस बना दिया है। डाइस के पास भी फेस कितने होंगे? फेस होंगे 6। आपको करना क्या है? आपको अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट निकालना है बच्चों। और अपोजिट हम कैसे निकालते हैं पूरी डाइस में, अभी हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। ओके, बातों को विराम देते हुए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि डाइस के प्रकार। भाई, जिसने डाइस बनाया होगा वो डाइस कितने प्रकार के बनाए? तो डाइस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मानक, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड बोलेंगे। और एक होता है साधारण। साधारण, साधारण को इंग्लिश में जनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरल। अब बच्चों देखो, पासा दो प्रकार के होता है। दुनिया में जो पहला पासा बना होगा वो कौन सा बना होगा? मानक बना होगा। उसको देख करके बहुत सारे साधारण पासा क्या कर दिया गया होगा? बनाया गया होगा। याद रखना, मानक पासा पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसमें दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। और साधारण पासे में दो विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है, ठीक है। तो आपसे यदि पूछे कि मानक पासा क्या है भाई, तो आप बता दो, सर अपोजिट अपोजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अच्छा जी, अगर हम अपोजिट अपोजिट को जोड़ते हैं, यदि 7 नहीं आता है, तो ये स्टैंडर्ड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? जनरल कहलाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ आपको पासा के बारे में, पासा के प्रकार को मैंने बताया। अब आइए, हम करते क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ने का। ये जो डाइस हम पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है अपोजिट फेस निकालना। अपोजिट फेस निकालना। और इसको हम कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों याद रखना, सिर्फ एक नियम देख लो जरा। अपोजिट फेस, अगर दो फेस मान लेते हैं F1 एंड F2, दो फेस हैं लेफ्ट एंड राइट, ओके, और एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। तो ये कभी अगल बगल नहीं आ सकता। देख लो बच्चों, ये दोनों यदि हमारे विपरीत हैं, तो ये कोई भी सतह, लेफ्ट का
कोई भी सतह राइट के बगल में शिफ्ट नहीं हो सकता। याद रखो दूसरा एग्जांपल, अप का विपरीत क्या होगा? डाउन होगा। तो क्या ये कभी अगल बगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो आइए तीन रूल सीखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है रूल ऑफ एडजेसेंट। देखो बच्चों, हिंदी वाले बच्चों ध्यान से सुनो, बोलता है कि अगल बगल जो सतह होंगे वे कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो आइए हम एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम रूल नंबर फर्स्ट को जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये रूल नंबर फर्स्ट पे बेस है। ये बोल रहा है कि नीचे तीन प्रकार के डाइस दिए गए हैं और इसमें हमें निकालना है किसका विपरीत निकालना है, तीन का विपरीत निकालना है बच्चों। तो याद रखना, फेस कितने होते हैं? छः होता है। एक का विपरीत निकालना ही है, बाकी क्या बच गया? दो, एक, चार, पाँच और छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने फेस बच गए? पांच फेस में से तीन का कोई ना कोई एक विपरीत होगा। ध्यान रखो बच्चों, आपको जो है ना इस डाइस को देखना ही नहीं है। रूल नंबर ये कहता है कि जिसका विपरीत निकालना है, यदि तीन का विपरीत निकालना है तो तीन के अगल बगल क्या लिखा है? एक दो लिखा है ना, एक दो काट दो। तीन के अगल बगल क्या है? पांच छः है, पांच छः को काट दो, क्या बच गया? देखो चार बच गया और ये हमारा जो है तीन का विपरीत क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए इस पर एक और रूल, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है चार डाइस आपको दिखाया गया है, ओके, और इसमें हमें निकालना है छः का विपरीत क्या होगा। बच्चों देख लो, छः का विपरीत निकालना है तो छः तो कभी होगा ही नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इन्हीं पांचों में से कोई एक विपरीत होगा। बच्चों देखो जरा, छः के अगल बगल क्या है जी? तीन, दो, तीन दो काट दो। छः के अगल बगल दो चार है, दो कटा हुआ है, चार को भी काट दो, और छः के अगल बगल पाँच चार है तो पाँच भी कट गया, तो बचा क्या? छः का विपरीत क्या हो गया बच्चों? एक हो गया। याद रखना, डाइस के 90% क्वेश्चन रूल फर्स्ट से सॉल्व होते हैं। मैं आपको इस डेमो वीडियो के माध्यम से तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो डाइस, सच बता रहा हूं मैं, 10 सेकंड के अंदर नहीं निकाले तो आप कहना कि सर आप क्या बोल रहे थे। बच्चों अब आते हैं रूल नंबर टू पर। रूल नंबर टू ये कहता है, ठीक है सब प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। रूल नंबर टू ये कहता है कि यदि दो विपरीत सतहों को, देखो लेफ्ट और राइट दो एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। अगर मान लो मुझे अप का विपरीत निकालना है, किसका विपरीत निकालना है ध्यान से देखना, अप का विपरीत निकालना है और मुझे पता नहीं है कि अप का विपरीत क्या होगा, लेकिन उसके अगल बगल हमें पता है, उसके अगल बगल मान लेते हैं लेफ्ट है और क्या है? राइट। देखो अप है, इसके अगल बगल लेफ्ट राइट है। अच्छा जी, ऐसा ही लेफ्ट और राइट कहीं और दिख जाए, जैसे देखो नीचे के अगल बगल भी क्या है? लेफ्ट राइट है। ये लेफ्ट और ये राइट कहाँ और दिख रहा है? डाउन के अगल बगल दिख रहा है। तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, जो तीसरा बचता है वही हमारा क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम इस वीडियो को ध्यान से देखें। आइए क्वेश्चन नंबर टू पर क्या होता है, ध्यान दो बच्चों। इसमें बोल रहा है, देखो ध्यान से, इसमें आपसे बोल रहा है कि मुझे, चलो किसी का भी विपरीत निकाल लो, छः का विपरीत निकालना है। किसका विपरीत निकालना है? छः का। ओके, अब हम ये देखेंगे कि छः के अगल बगल क्या दिखा। देखो छः के अगल बगल चार दिखा और पाँच दिखा। ये कहना ये चाहता है कि ऐसा ही चार पाँच और कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा ही चार पाँच यहाँ दिख रहा है। देखो ध्यान से, आपको कुछ करना ही नहीं है जी। छः के अगल बगल चार पाँच है, चार पाँच यहाँ दिखा, इन दोनों को छोड़ दो, तीसरा क्या बचा? एक बचा। तो छः का विपरीत क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान रूल है, याद रखना। जब कभी भी पासे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो रूल नंबर टू पहले लगाना है, इसके बाद रूल नंबर वन लगाना है। अब जब तब भी ना आए तो जब ये थर्ड रूल मैं बताऊंगा उससे 100% जो है आपका अपोजिट फेस निकल जाएगा। अब आइए आगे बच्चों, मान लेते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप बताओ आंसर। कितने लोगों बता दिए तीन का विपरीत क्या होगा? तुरंत जो है मुझे, मैं जो पता है कि आप लोग निकाल लिए होंगे। और देखो जिस बंदे ने तीन के अगल बगल देखा कि छः और एक लिखा हुआ है, और एक छः कहाँ लिखा हुआ है जरा बता दो। एक छः कहीं दिखा? कहीं दिखा एक छः? नहीं दिखा। देख लो, एक और छः
कहीं नहीं दिखा है, इसका मतलब हम तीन का विपरीत नहीं निकाल सकते। अच्छा जी चलो मान लेते हैं तीन का विपरीत नहीं निकाल सकते। अगर मैं पूछूं कि विपरीत कैसे निकालना है, तीन छः, चलो आप एक का विपरीत निकालो, एक का, तो एक का आप बोलोगे सर मैं एक का निकाल दूंगा। बोलेंगे कैसे, तो देखो एक के अगल बगल क्या है, तीन और छः है। देखो तीन और छः यहाँ भी है, तुरंत इन दोनों को काटो, तीसरा क्या बचा, दो बचा। तो ये जो हमारा एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत दो हो जाएगा। बच्चों वीडियो को ध्यान से भी देखोगे ना तो वादा करता हूँ जी आएगा, 100% आएगा। एक बार आप वीडियो को फिर से देखना आपको आएगा। चलो ठीक है, डेमो वीडियो है, नहीं आएगा फिर से बताऊंगा। आगे देखो, यदि डाइस से अगर प्रश्न आता है तो रूल नंबर टू पहले लगाना, रूल नंबर टू पहले लगाना, रूल नंबर फर्स्ट लगाना, और दोनों से ना आए तो 100% जी रूल नंबर थ्री क्या देगा, आंसर देगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं बच्चों रूल नंबर थ्री के बारे में। रूल नंबर थ्री ये कहता है, इसको हम एक नाम दे दिया क्लॉक रूल, क्लॉक रूल। ए बच्चों तुम लोग पूछोगे ना कि क्लॉक रूल क्या होता है सर, याद रखना रूल नंबर थ्री कब लगाएंगे उसकी कुछ शर्तें हैं। रूल नंबर टू लगाएंगे जब दो डाइस दिखे, या रूल नंबर थ्री केवल दो डाइस में ही लगाया जा सकता है। अच्छा अब एक लड़के ने पूछा कि सर वो दो डाइस कैसा होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन है फाइव फेस दिखना चाहिए। कितनी सतह दिखना चाहिए, कम से कम पांच सतह दिखना चाहिए बच्चों। अगर पांच में से एक भी कम हो गया तो हम रूल नंबर थ्री नहीं लगा पाएंगे। चलो ठीक है देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब पांच सतह दिखेगा तो एक क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, कॉमन दिखेगा। देखो क्या होता है ना, हमारी आंखें उसी पर विश्वास करती हैं जो दिखती हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दिखाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, देखो जरा। चलो ठीक है मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2, ओके। चलो एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, देखो बच्चों ये आप मुझसे जुड़ोगे ना तो क्वेश्चन तो आप यूं बनाओगे यूं, देखो कैसे। मान लेते हैं मुझे सभी का विपरीत निकालना है, सभी का, ठीक है निकालो सभी का विपरीत। नहीं निकाल पाओगे तो आप तो नहीं निकाल पाओगे लेकिन बताने के बाद आप सब निकाल लोगे। देखो अगर मैं कह दूं दो का विपरीत बताओ, ठीक है याद रखना दो का विपरीत बताओ, क्या बताओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन मैंने कहा पांच सतह दिखना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच दिखा पहला कंडीशन पास हो गया, ओके। कितनी डाइस दिखा, एक डाइस और दो डाइस, दूसरा कंडीशन पास हो गया। अब कॉमन दिखा, देखो दो कॉमन है, तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया। अब आपके दिमाग में तुरंत विचार आएगा कि क्लॉक रूल लगाएंगे, और क्लॉक रूल होता क्या है, देखो घड़ी कैसे चलती है, देखो ये घड़ी होता है ना, ये घड़ी, ओके घड़ी तो देखा ही होगा, घड़ी देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है जी। तो यहां भी घड़ी की दिशा में आप क्या करोगे, घूम जाओगे, दो से घड़ी की दिशा में घूम जाओ। और ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, देखो दो से शुरुआत किया, दो के बाद क्या आया, तीन आया, तीन के बाद क्या आया, एक आया। अब यहां से फिर देखो दो के बाद क्या आया, दो के बाद चार आया, और चार के बाद क्या आया, पांच। ए बच्चों ये रामबाण है, क्या है रामबाण, इससे जो है एक का ही विपरीत नहीं निकलता जी, सबका विपरीत निकलता है। कैसे, देखो एक का विपरीत क्या हो गया, पांच हो गया, तीन का विपरीत क्या हो गया, चार हो गया। ए बच्चों जब चार का निकाल लिए तुम लोग तो एक ही तो बच्चा छः, तो दो का विपरीत क्या हो गया, छः हो गया। समझ में आया, वीडियो को फिर से पॉज करके देखना, ठीक है समझ में आएगा जी। जुड़ो मुझसे, 3 महीने बाद आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है 3 महीने सिर्फ 3 महीने। और जिसके बारे में आप सोच रहे होगे कि ये कर लूंगा मैं, उसको मैं करके दिखाऊंगा आपके साथ। आगे आओ, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और आप करके दिखाना, ठीक है चलो जरा देखते हैं कितने लोग बताते। 1, 5, 2 लिखा, ठीक है, और इसमें जो है 2, 6, 3 लिखा, ओके। और आप मुझे ना सभी का विपरीत निकाल कर बताओ। हाँ चलो वेट कर रहा हूँ, 10 सेकेंड वेट करूंगा, 10 सेकेंड के बाद 11 सेकेंड वेट नहीं करूंगा, ठीक है सोचो, ठीक रहे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। अब मैं नहीं रुकूंगा भाई, जिसका आया होगा आ गया होगा। देखो अब क्या करते हैं बच्चों, देखो 1, 2, 3,
चार पांच, पांच सतह दिखा पहला कंडीशन पास, दो डाइस है एक और दो, दो है ठीक है। अब देखो कॉमन है क्या, दो कॉमन है, दो से घड़ी की दिशा में हम क्या कर जाएंगे, घूम जाएंगे, दो के बाद एक, एक के बाद पांच, दो के बाद छह और छह के बाद तीन, एक का विपरीत छह, पांच का विपरीत तीन और दो का चार, सिंपल विपरीत निकालने आ गया जी। इसका मतलब यदि विपरीत निकालने को दे एग्जाम में तो आप निकाल लोगे रूल नंबर वन से, रूल नंबर टू से, नहीं आए तो रूल नंबर थर्ड से जी, निकाल लिया ठीक है। बच्चों यदि देखो डेमो वीडियो बना रहा हूं भाई, पूरा समझाने के लिए आपको तभी समझा पाऊंगा जब आप मुझसे जुड़ोगे, पूरी की पूरी रीजनिंग आपको बाय माउथ ना याद कराया तो आप बोलना कि चंद्रा इंस्टीट्यूट क्या कह रहा था ठीक है। यदि आपको कोई डाउट्स हो, यदि आपको कोई डाउट्स हो ना बच्चों तो 8299310097 पर कमेंट करो, आप बताओ कि हाँ सर आपने ऐसा वीडियो बनाया था, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना ठीक है। और बच्चों जुड़ो आप, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा। धन्यवाद बच्चों।